गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। मैं हूँ रोहल और आप लोग देख रहे हैं ब्लॉग्स। आज 18 जून 2020 है और मेरे बाइक का सेकंड सर्विसिंग करने का वक्त आ गया है। तो मैं आज मेरे बाइक का सेकंड सर्विसिंग करवाने जा रहा हूँ। मेरा बाइक लगभग 4500 के आसपास चला है, तो आज मैं सेकंड सर्विसिंग करने जाऊँगा। जोहाट की टीम के जो सर्विस सेंटर है वहाँ पर जाऊँगा मेरा बाइक का सेकंड सर्विसिंग करवाने के लिए। तो चलिए गाइस, फटाफट से चल रहे हैं। गैस, आप लोग देख रहे हैं मेरे एयर फिल्टर पूरी तरह से ख़राब हो चुका है, नया वाला डालना पड़ेगा अभी। तो गैस, आप लोग देख रहे हैं मेरे बाइक पे मोतुल का इंजन ऑयल डालेगा। ये देख रहे हैं आप लोग, मोतुल का इंजन ऑयल डालेगा मेरे बाइक पे। इसका कॉस्ट है 1395। देख रहे हैं आप लोग, फिल्टर लगेगा। आज 23 जून 2020 है और मैंने अपना बाइक का सेकंड सर्विसिंग करवाया था 18 जून 2020 को, और अब मैं ये 5 दिन के बाद ब्लॉग डालने जा रहा हूँ। तो मेरा सेकंड सर्विसिंग का खर्चा ज़्यादा नहीं आया क्योंकि मेरा कुछ प्रॉब्लम नहीं था बाइक में, इसलिए सिर्फ इंजन ऑयल का और जो इंजन ऑयल का फिल्टर होता है मोबिल फिल्टर, उसी का ही कॉस्ट आया है मुझे। मुझे सेकेंड सर्विसिंग का टोटल कॉस्ट आया 1470। कुछ प्रॉब्लम्स नहीं था इसलिए, और मेरा जो एयर फिल्टर था वो ख़राब हो चुका था, लेकिन सर्विस सेंटर में एयर फिल्टर अवेलेबल नहीं थे। तो उन लोगों ने बोला कि पुराना वाला ही आप मतलब सफाई करके लगा लीजिए, आप जब थर्ड सर्विसिंग करने आएंगे आप तब नया वाला लगा लेना। तो मैंने पुराना ही एयर फिल्टर साफ करके लगा लिया अपने बाइक पर। मैंने फ्लिपकार्ट से हेडफोन परचेस किया था, ये देख रहे आप लोग, बोट बेसिक्स 900। ये देखिए बोट बेसिक्स 900, ये वायर्ड हेडफोन है, 3.5 mm जैक के साथ आता है। ये देखिए आप लोग, 3.5 mm जैक, और यहाँ पे स्प्रिंग है, इसकी वजह से ये बहुत जल्दी ब्रेक नहीं होता है। इसका लास्टिंग बहुत दिन तक करेगा क्योंकि यहाँ पर स्प्रिंग देखा रखा है। ये देखिए आप लोग, जल्दी नहीं टूटेगा ये हेडफोन। और ये हेडफोन मैंने फ्लिपकार्ट से परचेस किया था, तो इसका कॉस्ट है मुझे 750 रुपीज़। और इसका जो बॉक्स है
और शायद मेरे भाई ने भेज दिया, मुझे कहीं मिल नहीं रहा है इसका बॉक्स। और मेरा जो पुराना वाला हेडफोन था ये भी बोट का ही था, ये वायरलेस हेडफोन था, ब्लूटूथ का, ब्लूटूथ कनेक्शन हेडफोन था ये। और ये यहाँ पे एक 3.5 mm जैक दे रखा है, यहाँ पे आप मतलब ऑक्स केबल लगा कर के भी सुन सकते हैं। और यहाँ पे चार्जिंग के लिए यूएसबी पोर्ट दे रखा है चार्जिंग के लिए। तो ये हेडफोन मैं 2 साल से यूज़ कर रहा हूँ, इसका बेस कभी बहुत अच्छा है, इसका बेस बहुत अच्छा है। और 2 साल से यूज़ कर रहा हूँ तो इसका पैडिंग ख़राब हो चुका है, देख रहे हैं आप लोग, ये देखिए पैडिंग पूरी तरह से ख़राब हो चुका है, पूरी तरह से मतलब पूरी तरह से। और इसका माइक्रोफोन भी ख़राब हो गया है, तो जब किसी को कॉल करते हैं तो आवाज़ नहीं सुनाई देता है इस हेडफोन पे। तो इसलिए मैंने ये हेडफोन खरीदा, वायरलेस नहीं खरीदा, वायरलेस एक है इसलिए वायरलेस नहीं खरीदा, वायर्ड हेडफोन खरीदा हूँ। और मैं बहुत ही जल्दी एक एक्सन प्रो खरीदने वाला हूँ, ग्रुप वही खरीदूँगा शायद। और आप लोगों ने मेरा फायर सर्विसिंग का वीडियो देखा होगा, तो फायर सर्विसिंग में ही मेरा क्लच पैड पूरी तरह से जल गया था, तो मुझे नया क्लच पैड लगवाना पड़ा था। लेकिन सेकेंड सर्विसिंग कुछ ऐसा लफड़ा नहीं हुआ, कोई ऐसा इश्यू नहीं था, इसलिए खर्चा थोड़ा कम हो गया, नॉर्मल खर्चा गया मुझे। और ये जो हेडफोन है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, अगर आप लोगों को ये हेडफोन खरीदना है तो आप लोग परचेस कर सकते हैं, मैं लिंक दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर देना, और ये वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक कर देना, और इसी तरह आप लोग मुझे सपोर्ट करते रहना, इसी तरह आप लोग मुझे प्यार देते रहना। आज के लिए इतना ही, बाय बाय गाइस, टेक केयर, चौया होम।